प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तवा। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। 1910 में सौजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भटकाने का आरोप लगाया। सौजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब से कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यो तो उनके साहित्य जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में साउथ नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें, हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। ये स्थिति हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में
बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में भी मील के पत्थर है। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। ये मूल रूप से उन्होंने बासारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, प्रेमा, प्रतिज्ञा, मनोरमा, वरदान आदि। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी, जिसमें 3 अभी अप्राप्य है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजेवदन नाम से जून 1907 में प्रकाशित हुआ। पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआ, बूढ़ी काकी, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि कहानियां। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया।